यहाँ आप देख सकते हैं कि तालाब पूरी तरह से जो है कमल के फूल और कमल के पेड़ों से भरा हुआ है। स्वागत करती हूँ अपने दूसरे ब्लॉग में, क्योंकि पहला ब्लॉग हमारा हॉलीडे ट्रैवल का था जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो उस वीडियो को जरूर देखें, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये हमारा दूसरा ब्लॉग जो कि हमारी श्रद्धा और भक्ति से संबंधित है। इस ब्लॉग में हम लाइव वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने वाले हैं दक्षिण भारत के मंदिर उत्तर भारत के मंदिरों की तुलना में कितना अलग है। आप देख सकते हैं नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आप सबका इस सेकंड ब्लॉग में। और हम पहुंच चुके हैं यहां एक द्रविड़ शैली द्वारा निर्मित स्थापत्य कला का एक ऐसा उदाहरण जो कि सच में प्रशंसनीय है और ये केवल साउथ इंडिया में ही ऐसा पाया जाता है। वहीं हम यहां पे कंपेयर करेंगे नॉर्थ इंडिया में जो मंदिर होते हैं वो नागर शैली में होते हैं और किस प्रकार से वहाँ चीज़ें बनाई जाती हैं, उन सब पर हम पूरी चर्चा करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के साथ, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए, आपके सामने जो दिख रहा है ये मंदिर का जो है द्वार है और ये द्वार के अंदर हम लोग जा रहे हैं। इस द्वार के बारे में बता दूं, इसे कहते हैं गोपुरम। हमारे यहाँ जो मंदिर के द्वार होते हैं वो गोपुरम नहीं होते। गोपुरम मतलब कि ऐसा द्वार जहाँ पर जो है ऊपर में द्वारपाल होते हैं और बाहर में ही गेट के ऊपर कई सारे देवी देवताओं जो हैं ऊपर तक उनकी मूर्ति निर्मित होती है। लेकिन हमारे यहाँ उत्तर भारत में जो है वैसा नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस और मुख्य डिफरेंस, मुख्य अंतर माना जाता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत की स्थापत्य कला द्रविड़ शैली और नागर शैली में। ये बहुत बड़ा अंतर है। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये देखिए कि ये मंदिर का प्रांगण है। हम लोग अंदर आ चुके हैं और अंदर आने के क्रम में हम क्या देख रहे हैं कि चारों तरफ से बाउंड्री है। दूर आपको जो दो लोग दिखाई दे रहे हैं उसके उस पार देखिए, बहुत बड़ी बाउंड्री है चारों तरफ से। तो एक ये दूसरा अंतर भी है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है मंदिर, अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं कहूँगा, ये जो है इसमें कुछ सुधार हो रहा है, कुछ बनावट में चेंजेज आ रही हैं, कुछ रिपेयर हो रही हैं, इसलिए आपको कुछ बांस और बल्लियाँ भी दिखाई दे रही होंगी। तो हम लोग आते हैं फिर से बाउंड्री पर। तो ये जो सामने आपको बाउंड्री दिखाई दे रही है ये मंदिर के चारों ओर है। जी हाँ, चारों ओर और बीच में मंदिर है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है द्रविड़, अगर स्थापत्य कला की बात करें हम, द्रविड़ियन स्टाइल जो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, अगर उसकी बात करें तो उसमें मंदिर के चारों ओर एक बाउंड्री होती है और अंदर में जो है मंदिर होता है। मतलब बाउंड्री को जो है उस घेरे को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। वहीं उत्तर भारत में इसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। बनाओ चाहे मत बनाओ लेकिन मंदिर बनता है और मंदिर जनरली हम मतलब उत्तर भारत में खुले में पाया जाता है। अभी देखिए, आप देख रहे होंगे मंदिर में आपको विष्णु भगवान ऊपर दिखाई दे रहे होंगे। मंदिर के ऊपर, मंदिर का जो गुंबद है उसके ऊपर विष्णु भगवान की एक मूर्ति है और विष्णु भगवान नारायण की मूर्ति है और ये मूर्ति बाहर है और गर्भगृह में जो मूर्ति होगी वो अलग होगी। तो इस तरीके से बनाया जाता है मंदिरों को। और एक चीज़ और देख सकते हैं हम, अगर आगे बढ़ेंगे तो सामने आपको जो दिख रहा है ये बाउंड्री है मेरे लेफ्ट साइड, और सामने राइट साइड कॉर्नर पे जो दिख रहा है आपको ये पत्थर से यहाँ लोग ज़्यादा बनाते हैं मंदिर।
हमारे यहाँ हालांकि ये द्रविड़ और नागर शैली से इसको मतलब है किसी चीज़ से बनाओ, लेकिन द्रविड़ शैली में ज़्यादातर मंदिर जो होते हैं वो पत्थरों से बने होते हैं, हमारे यहाँ उसे ईंटों से बनाया जाता है। ये उस शैली में नहीं है, ये उपलब्धता पर निर्भर है, यहाँ ईजिली जो है आसानी से पत्थर उपलब्ध होते हैं, हमारे यहाँ नहीं होते हैं। तो इन पत्थरों को जोड़ के मंदिर बनाए जाते हैं। देख सकते हैं नक्काशी, ऊपर में देखिए द्वारपाल आपको दिख रहा होगा, द्वारपाल मंदिर के ऊपर हर जगह आपको द्वारपाल मिलेंगे, रक्षा के लिए रखा जाता है, द्वारपाल और दासियों का झुंड नज़र आएगा। आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, विचित्र चीज़ें जो कि सीधी तरह से अंतर बताती हैं नागर शैली और द्रविड़ शैली में, तो किस तरह से मंदिर में आते हैं। ये देखिए मैंने पूरे वॉल को कवर किया है, कैसे जो है पत्थरों को जोड़ जोड़ के ये इस वॉल को बनाया गया है। सामने छोटा सा मंदिर है, हम आगे बढ़ेंगे और बहुत बड़ा प्रांगण है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये चेन्नई में स्थित है, ये मंदिर चेन्नई से 15 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। और इसके बाद हम एक और मंदिर में चलेंगे, पार्वती जी का मंदिर है वो, और यहाँ पे तो सभी भगवान हैं, वो स्पेशली पार्वती जी का मंदिर है, वहाँ एक विशिष्ट आकर्षण आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिएगा वीडियो को अगर आप इसे मिस नहीं करना चाहते हैं तो। और एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऐसी विचित्र चीज़ें बहुत देखने को मिलेगी। ये जो द्वार आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए दो द्वारपालों का चित्र बनाया गया था। और सामने मंदिर, मंदिर में एक और चीज़ आपको देखने, यहाँ सामने जो आपको गेट नज़र आ रहा है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम करने का प्रयास करता हूँ, सामने जो आप देख रहे हैं, हाँ अब यहाँ पे जूम हो गया है, ऊपर देखिए सामने शंकर भगवान, पार्वती जी, गणेश भगवान, इनका मूर्ति एकदम गेट पे बना हुआ है, रक्षा कर रहे हैं ये लोग। तो देखिए यहाँ भी देखिए राम सीता, यहाँ पे जो है इस तरह से मूर्तियाँ जो हैं बनाई गई हैं भगवान की। और मंदिर के अंदर का दृश्य देखिए, कलाकृतियाँ देखिए, रचनाएँ देखिए, हरा भरा दृश्य, आपका मन मोह लेगा। और आपको सीधे तौर पर अगर आपने नॉर्थ इंडिया घुमा है, आप अगर उत्तर भारतीय हैं, दक्षिण भारत में आते हैं, तो सीधे तौर पर आपको मंदिरों की स्थापत्य कला की शैली में जो अंतर है वो देखने को मिलेगा। अभी हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, मंदिर में काम चल रहा है, थोड़ी परेशानी रिकॉर्डिंग में हुई, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि आपको दिखाएं। देखिए ऊपर जो नक्काशी बनी हुई है, कितनी सुंदर नक्काशी, छतों में इतना काम किया गया है, कहीं दीवालों में इतना काम नहीं होता, यहाँ छतों में, ऊपर छत का जो फ्लोर है वहाँ पे इतना काम किया गया है। ये मंदिर में बता दूँ, ये सामने जो आपको दिख रही हैं कुछ महिलाएं पूजा करती हुई, ये शंकर भगवान का मंदिर है। अंदर काफ़ी अंधेरा है, गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है ये, बहुत बड़ा अंतर कि केवल ब्राह्मण जिनको वहाँ पे नॉमिनेटेड किया जाता है पूजा करने के लिए, वही इसमें घुस के पूजा कर सकते हैं, दूसरा कोई व्यक्ति इसके अंदर नहीं जा सकता है, आपको बाहर से ही पूजा करना होता है। और ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी विशेषता है द्रविड़ शैली में बने हुए मंदिरों की, कि गर्भगृह जहाँ पे भगवान बैठे होते हैं, जहाँ पे भगवान की मूर्ति स्थापित होती है, वहाँ पे केवल और केवल पुजारी जाया जाता है जिसको नॉमिनेट किया गया है, दूसरा कोई नहीं जा सकता। यहाँ भी देखिए ताला लगा हुआ है कि कोई अंदर ना जा पाए, पूजा होती है, आपको बाहर से ही प्रणाम करना है और निकल लेना है। यहाँ पे जो है ये शंकर भगवान की मूर्ति कहीं पाठ है, लेकिन ये मुर्गन भगवान हम लोग यहाँ कार्तिक भगवान को बोलते हैं, उनकी पत्नियाँ और उनकी मूर्ति आपने देखा। ज़्यादातर मूर्तियाँ जो है काले पत्थरों से बनी होती हैं, ये नक्काशी में उसके चारों ओर घूमता हूँ ऐसी प्रथा है कि आप आइए तो एक बार एक चक्कर जरूर लगाइए भगवान के, तो आपको जो है दुनिया घूमने के जैसा जो है आपको जो है पुण्य मिलता है। तो मैं एक चक्कर लगा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, कुछ लोगों ने लिख देते हैं, कुछ असामाजिक तत्व हर जगह होते हैं, उस पर ध्यान न दें, नक्काशियों पर ध्यान दीजिए, किस तरह से यहाँ निर्माण किया गया है, दिल दिमाग लगाकर किस तरह से ये लोग मंदिर का निर्माण करते हैं। मैंने एक चक्कर पूरा कर लिया है, मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ और पूरी तरह से परिचित करवा रहा हूँ आपको द्रविड़ शैली से। और चूंकि आप अगर उत्तर भारतीय हैं तो आप नागर शैली के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। मैं आपको बता दूँ कि ये जो आप देख रहे हैं पत्थर से निर्मित ये मंदिर, तो ऐसे ऐसे मंदिरों का जो आकार है वो भी बिल्कुल अलग होता है। द्रविड़ शैली में जो मंदिर होते हैं वो जो द्रविड़ शैली में मंदिर होते हैं वो पिरामिड आकार के होते हैं, ज़्यादातर मंदिर पिरामिड आकार के। लेकिन हमारे यहाँ जो मंदिर होते हैं ज़्यादातर गुबंद बने होते हैं, गोल जो है बेलन टाइप का और ऊपर जाके जुड़ा हुआ होता है, उस तरह का मंदिर होता है। लेकिन यहाँ पर जो मंदिर होते हैं चूँकि पत्थर से बने होते हैं तो उन्हें गोल नहीं बनाया सकता, तो पिरामिड आकार के होते हैं। वहीं पे जो है
अगर हम यहाँ से आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पे आपको सामने जो द्वार दिखाई दे रहा है उस द्वार से हम लोग बाहर निकलेंगे और आपको बहुत कुछ दिखाने वाले हैं, बने रहिएगा। और यहाँ देखिए घंटा जो बज रहा है, मैंने यहाँ साउंड, मुझे यहाँ साउंड आपको देना चाहिए था, मैंने म्यूट कर दिया क्योंकि आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप देखिए कि ऊपर घंटा बज रहा है, घंटा क्यों बज रहा है, इसमें पूजा हो रही थी, ये सामने आपको जो रिपेयर हो रहा है वो दिख रहा होगा, पूजा हो रही थी और लोगों का तांता लगा हुआ है, कई लोग बाहर हैं, गर्भगृह में बहुत कम लोग हैं और इसके लिए मैं बिल्कुल माफ़ी चाहूँगा कि गर्भगृह का मैं वीडियो नहीं ले पाया और वो लेना जो है वहाँ काफ़ी मनाही थी। आप कैमरा लेके गर्भगृह में नहीं जा सकते, गर्भगृह के बाहर नहीं जा सकते, अंदर जाना मना है। और इस दिन कोई विशेष पूजा हो रही थी तो भीड़ था, तो मैं बाहर से भी जो है आपको अंदर का दृश्य ज़्यादा नहीं दिखा पाया। ये जो गेट है ये निकलने वाला गेट है और यहाँ से निकलते वक्त एक और बहुत बड़ा अंतर, ये बाबा हैं यहाँ पे कुछ बुक्स लेके, यहाँ पे काउंटर है, कुछ महिलाएं फूल बेच रही हैं। एक और अंतर आपको मैं बताता हूँ कि जो हमारे यहाँ नागरशैली यानी उत्तर भारत में जो मंदिर होते हैं, उत्तर भारत के मंदिर, पहले आप ये देख लीजिए, ये झील है, यहाँ पे बहुत अच्छी झील बनी हुई है और ये भी यहाँ कपड़ा लगा हुआ है, ये भी थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में चल रहा है और बहुत बड़ी झील है, बहुत रमणीय दृश्य होता है, शाम को लोग यहाँ बैठते हैं। अभी यहाँ भी ताला लगा हुआ है ताकि लोग यहाँ गंदगी ना फैलाएं, हर जगह से जो है लोगों को जो है कहीं ना कहीं नियंत्रण में रखा जाता है ताकि जो है इस तरह के जो। तो फिर हमने बात की है यहाँ पे अंतर, जो कि दक्षिण भारत और उत्तर भारत के मंदिरों के जो स्थापत्य कला में जो अंतर होता है उसके बारे में हमने जो है बात की है। तो जैसे जैसे हम उन फुटेज को दिखाएंगे या उस वीडियो को दिखाएंगे वहाँ आपको उसका अंतर भी बताएंगे, इससे आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। ये हर तरीके से जो है कभी कभी यूपीएससी लेवल पे भी ऐसे प्रश्न आते हैं, द्रविड़ शैली और नागर शैली में अंतर एक्सप्लेन करने को कहा जाता है। हमें बस गोपुरम के बारे में पता था, गोपुरम जो है वो द्वार होता है, आप देख सकते हैं वीडियो में, तो उसके बारे में पता था, लेकिन बहुत सारे अंतर होते हैं और सारे अंतर को विजुअली लाइव देखना में जो है एक अलग मज़ा है। तो सारे अंतर को आपको दिखाएंगे, सारे फुटेज जो हैं जहाँ जहाँ वो द्रविड़ शैली और नागर शैली में जो अंतर आए हैं उन सबके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक। तो यहाँ अब हम लोग आ चुके हैं जिस मंदिर की बात कर रहे थे, अब देख सकते हैं सामने गोपुरम यानी मंदिर का द्वार क्लियर दिख रहा है। ये पार्वती जी का मंदिर है और जितने भी आपको मूर्ति दिखाई दे रहे हैं ये कोई देवी देवता दासी और द्वारपाल, इन सबकी मूर्तियाँ जो हैं गेट पे आपको मतलब सामने द्वार पे दिखाई देंगी ऊपर में। और आप देख सकते हैं पिरामिड आकार का ये जो है ऊपर का गुंबद है, हमारे यहाँ ऐसा गुंबद नहीं होता है। तो ये आपको क्लियरली जो है द्रविड़ शैली और नागर शैली में अंतर यहाँ पे दिखलाई पड़ जाता है। अब ये कुछ महिलाएं हैं यहाँ आप देख सकते हैं कि तालाब पूरी तरह से जो है कमल के फूल और कमल के पेड़ों से भरा हुआ है। और जो आपने अभी मंदिर देखा वो माता पार्वती का मंदिर था, मुख्य रूप से गर्भगृह में जो है उनकी प्रतिमा है और यहाँ पे जो है कहा जाता है कि उनको ये कमल का फूल बहुत ही पसंद था। अब इसे चमत्कार कहेंगे या संजोग कि यहाँ पे जो है पूरी तरह से यह तालाब कमल के फूलों से भरा पड़ा है। हालांकि लोगों ने कमल के फूल जो है तोड़ लिए हैं, लोग बेचने वाले लोग यहाँ पे तोड़ लेते हैं, लेकिन ये जो आप जितने ग्रीन पत्ते देख रहे हैं और कुछ एक दो कमल के फूल दिखाई भी दे रहे होंगे आपको कहीं कहीं पर जो रह गए हैं, जो कि पानी में डूबे थे तो रह गए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरह से काफी दूर तक जो है पूरा तालाब कमल के फूलों से भरा हुआ है। तो अब रोड क्रॉस करके हमें जाना है मंदिर के अंदर और आपको जो है दिखाना है मंदिर के अंदर का दृश्य। उससे पहले हम यहाँ पे अपने चप्पल उतारेंगे और आप देख सकते हैं सामने जो है मंदिर के बहुत बड़ी बाउंड्री मेन गेट के अंदर एक और छोटा सा मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। मैंने जैसा कि कहा था कि कुछ इसी प्रकार होता है, अंदर में भी मंदिर होते हैं मेन बाउंड्री के अंदर। ये और ये सीढ़ी देखिए नीचे की ओर सीढ़ी जाती है, सीढ़ी जो है नीचे की ओर जाती है, मतलब गड्ढा टाइप का बन के अंदर में, मतलब हमें नीचे की ओर जाना था। अब सामने देख रहे हैं देवी की जो मूर्ति है, अभी आपने देखा त्रिशूल लिए हुए जो देवी की मूर्ति थी वो एक रूप है पार्वती जी का और उन्हीं की जो है उन्हीं को समर्पित ये पूरा मंदिर है।
तो अभी मैं बात कर रहा था सीढ़ी की, तो नीचे की ओर जाती है, ये भगवान को आप देख सकते हैं बगल में, सब जगह जो है प्रोटेक्शन लगा हुआ है, लोग छू नहीं सकते, छू के पूजा आप कर नहीं सकते, केवल नॉमिनेटेड पुजारी ही कर सकता है। ये यहाँ के मंदिर की विशेषता है, क्योंकि हमने हम लोगों को कभी भी जो है देवी देवताओं को छूने का अवसर नहीं मिला इसी तरह से। और हम बात कर रहे थे द्रविड़ शैली के बारे में, नागर शैली के बारे में, तो अभी आप देख सकते हैं सामने उनकी भव्य मूर्ति, आप चाहे तो प्रणाम कर सकते हैं, और बहुत ही फलदायक है, बहुत ही सिद्ध मंदिर है ये, काफ़ी लोग यहाँ जमा होते हैं दिन भर में। और देखिए वहाँ एक पुजारी बैठा हुआ है, वही आपको चंदन वगैरह जो भी देना होगा देगा, आप खुद से कुछ नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ सीढ़ियाँ नीचे की ओर होती हैं, हमारे यहाँ सीढ़ी से मंदिर के ऊपर की ओर चढ़ते हैं, नीचे ढूल के जो है नीचे मंदिर में नहीं जाते। तो कलाकृति देख के आपका मन खुश हो जाएगा, कितनी मेहनत की जाती है मंदिरों को बनाने में, इसलिए साउथ इंडिया दक्षिण भारत मंदिरों के लिए जाना जाता है। यहाँ देखिए देवी गणेश भगवान की नहीं, शायद कार्तिक जी की मूर्ति है, बाहर लगी हुई है, और इस तरफ मेरे ख्याल से गणेश भवन होने चाहिए। जी हाँ, इस तरफ गणेश भगवान है, इनकी मूर्ति आपने देखा, और ये जो आपको लाइन से दिख रहे हैं ये पीछे की तरफ से लिया गया है, आगे की तरफ से मैं दिखाऊंगा, ये सभी बड़े बड़े द्वारपाल हैं, यानी सेनापति कह सकते हैं, और ये छोटे छोटे सेनापति जो हैं इनके चेले चपाटी लोग यहाँ खड़े हैं, तो ये लोग रक्षा के लिए रहते थे, हमेशा रक्षा के लिए तैयार रहते थे। अभी देखिए कि गुल्लू जो है ये जुगनू किस तरह से सबको देख रहा है चंबे से, ये डरता है इन मूर्तियों से, काफ़ी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं। तो हर तरीके से जो है यहाँ पे आपको जो है काफ़ी मज़ा आने वाला है, आपको एक नई अनुभूति मिलने वाली है, एक नया एहसास होने वाला है। सामने जो मंदिर दिख रहा है वो मेन मंदिर है पार्वती जी का, उसके अंदर ही पूजा अनुष्ठान होता है। ये देखिए तलवार लिए हुए जो है द्वारपाल महोदय किस प्रकार बैठे हुए हैं, इन्हें भी भगवान का दर्जा मिला हुआ है, इनकी भी पूजा होती है। और इनके साथ साथ जो लाइन से जितने द्वारपाल बैठे हुए हैं, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा, रिकॉर्डिंग करने के लिए पूर्णतः फ्री नहीं है यहाँ पे, तो आपको थोड़ा देख के करना होगा। अब ये देखिए, क्योंकि मुझे इसके लिए परमिशन लेनी पड़ी थी, तो ये लाइन से जो आप देख रहे हैं ये सभी जो है अलग अलग तरह के द्वारपाल हैं, और सभी, और सामने देखिए सामने दासियाँ, सामने मूर्ति के ऊपर बीच में पार्वती जी की मूर्ति है, और राइट और लेफ्ट में आपको लाइन से उनकी दासियाँ मिलेंगी, उनकी सेविकाएँ मिलेंगी, ये घोड़े पे जो है कुछ घुड़सवार। ये देखिए सामने द्वारपालों की जो फोटो है, ये सेनापति हैं, सैनिक हैं, रक्षक हैं, इनको आप जो कहिए, ये सभी सेवक हैं गॉडेस पार्वती की, जी हाँ देवी पार्वती की। तो इन सबों को भी जो है भगवान का ही दर्जा दिया गया है, इनकी भी पूजा होती है। अभी आप देख रहे हैं आप सामने देखिए कुत्ता है मंदिर के अंदर। हमारे यहाँ क्या होता है कि कुत्ता घुस नहीं सकता मंदिर के अंदर, आप मंदिर के अंदर खा नहीं सकते, यहाँ ऐसी कोई मनाही नहीं है, क्योंकि ये पूरा कैंपस है, इसके अंदर मंदिर है, तो मंदिर के अंदर कुत्ता नहीं है, मंदिर के प्रांगण में कुत्ता है, तो उससे कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ता, सबको शुद्ध माना जाता है। मंदिर में आने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक जीव, हर एक जंतु जो है वो अपने आप में जो है श्रद्धा रखता है, श्रद्धा का विषय मनाता है। अब ये घोड़ा देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए अलग अलग प्रकार के आपको जीव जंतु सेवा के रूप में आपको दिखाई देंगे, तोता हो चाहे यहाँ गरुड़ हो, तो और यहाँ दो दासियों ने जो है घोड़ों को थाम रखा है, और एक घुड़सवार भी है, तो ये सभी जो हैं ये सभी सेवक हैं। अब सामने देखिए ये एग्जिट द्वार है, एग्जिट द्वार भी देखिए, सामने देवी की प्रतिमा, सरस्वती जी की प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी, नारद जी की प्रतिमा देखने को मिलेगी, इंद्र भगवान की प्रतिमा देखने को मिलेगी, यानी सारे जो देव होते हैं उन सारे देवों के जो है स्वरूप जो है ऊपर देखने को मिलता है, मूर्ति ऊपर देखने को मिलती है। अभी जो आप ये ग्रिल देख रहे हैं इसके अंदर 9 ग्रह हैं, हम लोग जब भी यहाँ आते हैं तो 9 ग्रह की पूजा करते हैं, चारों ओर घूमते हैं। देखिए शनिदेव की मूर्ति आपको दिखाई दी काले रंग में, और ये 9 ग्रह आप काउंट कर सकते हैं, 3-3 के रो में है, कॉलम में है, 3x3 कॉलम में 9 देवता जो है यहाँ पे उपलब्ध है, राहु केतु सबको मिला के, और इनकी भी पूजा होती है यहाँ पे। और अभी जो है यहाँ साफ सफाई चल रही थी, इनको वस्त्र भी पहनाया जाता है, तो ये प्रक्रिया भी चालू है, इसलिए वस्त्र आपको नहीं देखने को मिले थे। इनको हर कलर का, शनि भगवान को काला जो है, बृहस्पति भगवान को पीला, इस तरह से उनके हिसाब से, उनके रंगों के हिसाब से उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं। आगे अगर मैं आपको ले कर चलूँ तो आगे भी कुछ और चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ। जो मंदिर का इतिहास है बहुत ज़्यादा पुराना है, और आपको कई दासियाँ जो हैं ट्रांसजेंडर यहाँ पे मिलेंगे, जो सेवा करते हुए नज़र आएंगे, वो देवी मानते हैं। और कैसे इसकी स्टोरी बनी, ये कुछ स्टोरी का भाग, किस प्रकार जो है पार्वती जी शंकर भगवान की पूजा कर रही हैं, और यहाँ पर जो है भोज हो रहा है, और कैसे माता पार्वती जो है गणेश भगवान और कार्तिकों को लेके घूम रही हैं, और
पूरी की पूरी कहानी दीवालों पे चित्रित है, कलाकृतियां मन मोह लेती हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। फिर मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बोलो बेटा, बाय बाय बाय। Thank you.